नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सैन और आप देख रहे हैं मोदी नगर चर्चा न्यूज। ये हम बनेड़ा गांव का मैटर है जिसमें कि जो पूर्व प्रधान रहे हैं, जिनका भूरू प्रधान है, जिनकी पत्नी प्रधान थी, उन्होंने मेन अड्डे पे तालाब का भराव करवा के और वहां पे सार्वजनिक शौचालय बनवा दिया है। जबकि तालाब की भूमि जो होती है वो प्रतिबंधित होती है, बिना किसी सरकारी परमिशन के वहां पर कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा सकता है। और ये समझिए कि ब्लॉक के सचिव और तहसील के पटवारी जो सचिन त्यागी जी उस वक्त में इस पद पे थे, उस समय का ये शौचालय बना हुआ है और सब कुछ उनकी जानकारी में है। उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई क्या नहीं, ये नहीं जानती हूँ मैं। बाकायदा सारे फोटोग्राफ्स मेरे ज्ञापन के साथ अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से एक दूसरा प्रकरण है गांव के ही अंदर, दूसरे तालाब का, जिसको अवैध रूप से कब्जा करके, जिसको जिस पर कम से कम 25 वर्षों से गरीबों ने अपने बिटोड़े बनाए हुए थे, उस पर कब्जा कर लिया गया है। और जब पटवारी राजन जी हैं, ये पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई गई थी, पटवारियों की सांठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रधानों की पटवारियों की सांठगांठ नहीं चलेगी, नहीं। भाई मुरिंदर जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक सीकरी महामाया मंडल भाई विपिन जी, अपने इस कार्यक्रम के आयोजक व संयोजक नितिन सनो बबलू जी, अपने ग्राम लतीफपुर तिबड़ा की इस कृत्रिम दौड़ प्रतियोगिता के आयोजक कमेटी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद, आपका अभिनंदन और वंदन। क्या कर रहा, अपने इस गांव में खेल प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित होती रही हैं। मोदी नगर गोविंदपुरी सनातन धर्म मंदिर में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा निःशुल्क कोविड-19 कैंप का हुआ आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने किया कैंप का शुभारंभ। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने मोदीनगर थाने के SSI राजेंद्र गौतम व गोविंदपुरी चौकी प्रभारी अशोक कुमार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।